दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, पिछले सेशन में हमने परसेंटेज चैप्टर पढ़े थे और अब हमारा आज का नया चैप्टर है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज से हमारा नया चैप्टर है नंबर सिस्टम, और इसमें हम बिल्कुल आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि नंबर सिस्टम के प्रश्नों को कैसे हम बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में हल करते हैं। तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक और वॉच करिए, बेहतरीन सेशन है हमारा ये भी। आप लोगों को हम जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे बिल्कुल एकदम ट्रिक के माध्यम से मैथ को बताएंगे बिल्कुल बेसिक से। मेरा हमेशा प्रयास रहेगा, मैं सुखराम यादव हमेशा यह प्रयास रखता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताएं, जिससे मैथ के सवालों को आप हल करने में कोई कठिनाई ना हो। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप हमारे इस चैनल से जुड़िए और मैथ एवं रीजनिंग बेहतरीन सेशन जो है हमने पढ़ाया है और पढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो हमारे भाई बहन इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बिल्कुल डेली हम जो है आप लोगों को बेहतरीन सेशन लेकर आते हैं, तो आप लोग हमारे इस सेशन से जुड़िए और सेशन का आप लोग जो है वॉच करिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है हमारी कि जो भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चलते हैं, आज से हमारा नया चैप्टर है मैथ का चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो बिल्कुल नए अंदाज में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में लगेगा कि हाँ कोई टीचर हमको मैथ का पढ़ा रहा है। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हुए लेते हैं धुआंधार सेशन मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो रेडी हो जाइए आप लोग हमारे इस सेशन के लिए, और ये सेशन हमारा जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, अपने भाइयों और बहनों में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा यह सेशन सभी लोगों को प्राप्त हो जाए और नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग बिल्कुल एक नई ऊर्जा के साथ हमारे इस सेशन को देखिए, बिल्कुल बेहतरीन सेशन है मेरा, बहुत ही मजा आएगा। बिल्कुल हमारा पहला पहला पार्ट है नंबर सिस्टम का, तो बेहतरीन हम समझाएंगे आप लोगों को, बस आप लोग लास्ट तक वॉच करिए। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, और हमारा चैप्टर है आज, नोट करिए आप लोग, मैथ नंबर सिस्टम। मैथ में हमारा चैप्टर है मेरे प्यारे भाइयों बहनों नंबर सिस्टम। ये हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों संख्या पद्धत हमारा, ये मेरे प्यारे भाइयों बहनों नया चैप्टर है हमारा मैथ में। हमारा चैप्टर है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। सिस्टम बिल्कुल आप लोग नोट करते चलिए, और आप लोग जो है एक नोट बनाइए बिल्कुल, और नोट बना के आप लोग लिखते चलिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको लगेगा कि हाँ मैथ हमने जो है बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो मेरा यह मानना है कि आप बहुत ही कम समय में आप जो है क्वेश्चन को हल करके आएंगे। बिल्कुल एकदम बेसिक से हम बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि हम अपने भाई बहनों मित्रों को बिल्कुल बेसिक से बताएं। तो
प्लीज हमारे इस सेशन को आप लोग अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं, और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। तो बिल्कुल बेहतरीन सेशन हम आप लोगों के लिए ऐसे ही डेली लाते रहेंगे, बस आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। अपने इस भाई के लिए सपोर्ट करिए और चैनल से जुड़िए। बिल्कुल मैथ और रीजनिंग हम आप लोगों को बिल्कुल ऐसे सिखाएंगे जैसे जो है आप लोग कोई खेल खेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप समझ जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए, कोई कठिनाई नहीं होगी, बिल्कुल आप किसी भी एग्जाम में जाइए, बिल्कुल हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे बेसिक जो हमेशा याद रहेगा, आप किसी भी क्वेश्चन को आप देखते ही हल करेंगे। तो चलिए हम देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं बढ़िया सा सेशन। हमारा चैप्टर है मेरे प्यारे भाइयों आज का नया चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, तो आप लोग इसको नोट करिए। और पार्ट है हमारा ये फर्स्ट नंबर सिस्टम का पार्ट हमारा ये क्या है, पहला पार्ट है। तो बिल्कुल धुआंधार सेशन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग सभी जुड़ जाइए और सेशन का जो है बिल्कुल सेशन का आप लोग जो बिल्कुल है बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों आप लोग आनंद लीजिए और देखिए मैथ हम कितनी बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं बढ़िया सा सेशन। तो हम बहनों आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पर सीधे। अगर हम आप लोगों को सीधे क्वेश्चन पर ले चलते हैं तो बिल्कुल जो है आप लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे, समझेंगे ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेसिक जानकारी हमें देना जरूरी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप लोग सोचेंगे कि ये हम लोगों को बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, तो जी हाँ हम बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो नोट करिए आप लोग, थोड़ा सा हमारा ये टॉपिक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, थोड़ा सा नोट है हमारा, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है हम बिल्कुल आप लोगों को क्वेश्चन पे ले जाएंगे और 10 से 15 सेकंड में आप लोगों को हल कराएंगे। तो चलिए नंबर सिस्टम है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसमें होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों धन पूर्णांक। पहला है हमारा क्या होता है, धन पूर्णांक इसमें हमारा होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों धन पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं। नोट करिए धन पूर्णांक, दूसरा होता हमारा पूर्ण संख्याएं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दूसरा हमारा है पूर्ण संख्याएं और तीसरा है ऋण पूर्णांक। तीसरा है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों ऋण पूर्णांक, तीसरा है हमारा ऋण पूर्णांक। आप लोग नोट करते चलिए और नोट बनाते चलिए। उसके बाद है मेरे प्यारे भाइयों बहनों पूर्णांक, चौथा हमारा पूर्णांक और पांचवा हमारा सम संख्याएं। अगर हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप लोगों को बेसिक से नहीं बताएंगे, इन सब के बारे में नहीं बताएंगे, तो आप लोग जो है थोड़ा सा जो हमारे भाई बहन नए हैं वो समझ नहीं पाएंगे। बाकी आप लोग जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट करिए आप लोग इसको, सम संख्याएं हैं और लास्ट में है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों विषम संख्याएं लास्ट में है हमारा विषम संख्याएं, तो आप लोग इसको नोट करिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसके बारे में हम थोड़ा दो लाइन, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसके बारे में हम आप लोगों को थोड़ा सा दो लाइन लिखा देते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सेशन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लास्ट तक जुड़िए, लास्ट तक वॉच करिए, और जितने भी हमने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को पढ़ाया है आप लोग जाके वॉच करिए, और बहुत ही बेहतरीन सेशन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप लोगों को लगेगा कि हाँ हमने मैथ और रीजनिंग बहुत बेहतरीन पढ़ाया है, तो आप लोग जो है मैथ के प्लेलिस्ट में जाके जो भी आप देखना चाहें मैथ और रीजनिंग जाके आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक जानकारी दे दें। तो इसमें लिखेंगे धन पूर्णांक में प्राकृतिक संख्याएं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों प्राकृत संख्याएं नोट करिए आप लोग, प्राकृत संख्याएं मेरे प्यारे भाइयों बहनों या प्राकृतिक संख्याएं इसको हम लिखेंगे प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोट करते आप लोग चलिए, प्राकृतिक संख्याएं
धन पूर्णांक कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोट करते चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को, धन पूर्णांक कहलाती है। जैसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे जैसे एक हुआ, दो हुआ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तीन हुआ, ये क्या कहलाती है, एक दो तीन चार और डॉट डॉट मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सभी क्या है, इनका प्राकृतिक संकेत मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक दो तीन चार ये हमारे क्या कहलाती है, धन पूर्णांक संख्याएं। इनका प्राकृतिक या संकेत मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इनका प्राकृतिक प्राकृतिक या संकेत इनका प्राकृतिक या संकेत मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आई आई या यन के माध्यम से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यन के माध्यम से आई या यन होता है, आई या यन होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग इसको नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसको भी नोट करा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना। तो पूर्ण संख्याएं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, देखिए पूर्ण संख्याएं वो संख्या होती है, पूर्ण संख्या वो संख्या है जो पूर्ण संख्या वो संख्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो शून्य या जीरो सहित मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जीरो सहित धन पूर्णांकों को यहां पर नोट करते चलेंगे, धन पूर्णांकों को नोट करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, धन पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आप लोग मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट करते चलिए, जैसे जीरो एक दो तीन चार और पांच, जीरो एक दो तीन चार और पांच, चार ही मान लीजिए, उसके बाद डॉट डॉट मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो है क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। ये क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये है पूर्ण संख्याएं हैं, क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग इसको नोट करिए, ये क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। और ऋण पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऋणात्मक पूर्णांक मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोट करते चलिए आप लोग, ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऋण पूर्णांक कहा जाता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऋण पूर्णांक कहा जाता है। चलिए यह हो गया, ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, जैसे -3 हुआ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, -2 हुआ, -1 हुआ, इस तरह की संख्याओं को क्या कहा जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक कहा जाता है। इनका प्रतीक या संकेत आई होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इनका प्रतीक संकेत आई होता है। नोट करिए आप लोग, इनका प्रतीक संकेत क्या होता है, आई होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए ये हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब आइए पूर्णांक क्या है, ऋण पूर्णांक वह है, ऋण पूर्णांक को यहां पर नोट करिए,
ऋण पूर्णांक को, सॉरी ऋण पूर्णांक को, ऋण पूर्णांक को, ऋण पूर्णांक को नोट करते हैं आप लोग। चलिए पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक को शून्य तथा धन, यहां पर नोट करेंगे शून्य तथा धन, शून्य तथा धन नोट करते चलिए आप लोग। ऋण पूर्णांक को शून्य तथा धन, पूर्णांकों का समूह, पूर्णांकों का समूह शून्य तथा धन, पूर्णांकों का समूह शून्य तथा धन, पूर्णांकों का समूह, पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आइए सम संख्या पूछ रहा है, तो सम संख्या क्या होता है, दो से विभाजित होने वाली। मेरे प्यारे भाइयों बहनों सम संख्या के बारे में लिख लेते हैं कि दो से विभाजित होने वाली, दो से विभाजित, विभाजित, दो से विभाजित होने वाली, दो से विभाजित होने वाली संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं, दो से विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दो से विभाजित होने वाली संख्याएं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों दो से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं, सम संख्या होती है, दो से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या होती है। चलिए एक ये हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और लास्ट है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं हो, इसके बारे में नोट करिए आप लोग। पूर्ण संख्याएं यहां पर है, विभाजित विषम संख्याएं जो संख्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो संख्या दो से विभाजित ना हो, जो संख्या दो से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो वो कौन सी संख्या है, वो हमारी विषम संख्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो हमारी विषम संख्या है। तो आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमने आप लोगों को ये इसलिए लिखाया है ताकि अगर आप हम आप लोगों को बेसिक ना बताएं तो आप लोगों जो है क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जैसे ऋण पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है, सम संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, धन पूर्णांक क्या है, वैसे तो पढ़े होंगे आप लोग लेकिन थोड़ा सा जो है माइंड में सेट नहीं रहता है, अगर हम एक बार रिवीजन कर लें तो बिल्कुल सेट हो जाता है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे और चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम और नोट कराते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों एक और नोट कर लीजिए, कर्मागत पूर्णांक, कर्मागत पूर्णांक, कर्मागत पूर्णांक, इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए, कर्मागत पूर्णांक। तो इसका है हमारा होगा क्रम से आने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट करते चलिए, क्रम से आने वाले पूर्णांक कर्मागत कहलाते हैं, क्रम से आने वाले पूर्णांक कर्मागत कहलाते हैं, क्रम से आने वाले पूर्णांक कर्मागत कहलाते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग इसको नोट करिए। चलिए जैसे 13, 14 और 15 इत्यादि 13, 14 और 15 मेरे प्यारे भाइयों बहनों इत्यादि। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, ये हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों चलिए एक और हेडिंग नोट कर लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कर्मागत सम संख्याएं, एक और हेडिंग है हमारा कर्मागत सम संख्याएं मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट कर लीजिए,
एक और हेडिंग है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसमें भी दो लाइन नोट कर लीजिए। क्रम से आने वाली सम संख्याएं नोट करते चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं, तो नोट करिए आप लोग। चलिए ये हो गया जैसे 18, 20 और 22, तो इसमें उदाहरण नोट करिए। जैसे 18, 20 और 22, ये क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 18, 20 और 22। तो चलिए आप लोग इसको भी नोट करिए। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे 18, 20 और 22, तो निकटतम क्रमागत सम संख्याओं में यहां पर लिखेंगे क्रमागत सम संख्याएं मेरे प्यारे भाइयों बहनों निकटतम क्रमागत सम संख्याओं में दो का अंतर होता है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं फिर आगे। थोड़ा सा हम आप लोगों को इसमें बेसिक जानकारी नोट करा दे रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन पर, और बिल्कुल हम 10 से 15 सेकंड में आप लोगों को नंबर सिस्टम के प्रश्नों को हल कराएंगे। बस आप लोग देखते जाइए, जैसे ही हम पहुंचेंगे प्रश्नों पर, बिल्कुल आप लोगों को लगेगा कि हाँ, हमने नंबर सिस्टम को बहुत ही आसान बना दिया है। तो चलिए आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे भाई बहन, जो भी इस चैनल पर नए हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस भाई को सपोर्ट करें। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपसे कुछ पूछना है या कोई डिस्कस करना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और हमने जितने भी परसेंटेज के चैप्टर इससे पहले पढ़ाए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जाके देखिए, बहुत ही बेहतरीन सेशन हमने पढ़ाया है। बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में आप लोगों को परसेंटेज के सवालों को पढ़ाया है, ताकि आप अगर हमारे इस परसेंटेज के चैप्टर को देखेंगे, तो बिल्कुल लगेगा कि हाँ, हमने जो है बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। आप अगर किसी एग्जाम में जाएंगे, तो ये नहीं लगेगा कि हाँ, हमने परसेंटेज नहीं पढ़ा है। तो उसी तरह से ठीक इसको भी हम पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम को, बिल्कुल आप लोगों को 10 से 15 सेकंड में। तो चलिए बिल्कुल आसान बना देंगे हम आप लोगों को मैथ। तो चलिए पढ़िए आप लोग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर नोट करते रहना, एक नोट बना लीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, फिर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो मेरे भाई बहन इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल के परिवार हैं मेरे प्यारे भाई बहन, वो आप हमारे इस चैनल को लाइक, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हम मोटिवेट नहीं होते। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, या आपसे कुछ डिस्कस करते हैं, या कोई दिक्कत या परेशानी हो, तो बिल्कुल आप हमारे किसी भी प्रश्न में, तो बिल्कुल हमारे इस जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके कमेंट बॉक्स को पढ़ेंगे और जवाब जरूर देंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए
चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सीधे मैं क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग देखेंगे कि हाँ, हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे और लगेगा कि हाँ, नंबर सिस्टम जो है हमने बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और रेडी हो जाइए क्वेश्चन को देखने के लिए और हल करिए। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप लोग ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आप लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं। चलिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए जिस तरह से हम आप लोगों को लिखाने वाले हैं, तो नोट करिए आप लोग इस क्वेश्चन को और देखिए नंबर सिस्टम के। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संख्या चार से, मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट करिए आप लोग, कौन सी संख्या चार से मेरे प्यारे भाइयों बहनों पूरी तरह से विभाज्य है, पूरी तरह से विभाज्य है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सी संख्या चार से पूरी तरह से विभाज्य है। चार विकल्प दिए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस क्वेश्चन के। चलिए, ए है हमारा 56, 32, नोट करते हैं आप लोग, चलिएगा इस क्वेश्चन को, 56, 32, 654 और बी है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 65, 42, 176। नोट करते हैं आप लोग, चलिएगा बिल्कुल। सी है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोट करिए आप लोग, 72, 53, 566 और सी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सी है हमारा 41, 87, 290। तो चलिए, चार विकल्प दिए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों देखिए, ये हम क्वेश्चन ले लिए हैं, कौन सी संख्या चार से पूरी तरह से विभाज्य है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो इसको हम अगर हल करना हो, ऐसे ही क्वेश्चन हमें एसएससी, रेलवे और बैंक के एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और अदर एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है। बिल्कुल एसएससी सीजीएल हो या एसएससी जीडी हो या सीएचएसएल हो, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को पूछा जाएगा क्वेश्चन एक नंबर का। और दो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और आप लोगों को एग्जाम में जो है बिल्कुल सोचने का भी मौका नहीं रहेगा अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे। तो चलिए, अगर आप ध्यान से देखे रहेंगे तो बिल्कुल 10 सेकंड में आप लोग इसको हल करेंगे। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे हल कराते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हाँ, आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आरआरबी रेलवे सितंबर 2018 के एग्जाम में, ये क्वेश्चन आरआरबी रेलवे सितंबर 2018 के एग्जाम में पूछा गया है और ये एसएससी के भी एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो देखिए कैसे इसको हम हल करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसमें हम देखेंगे, इसमें एक ट्रिक लगाएंगे, इसमें हम देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस क्वेश्चन में दो लास्ट के हम जो है दो अंक देखेंगे कि अगर हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों लास्ट के दो अंक इसमें देखेंगे, सभी में चारों विकल्प में लास्ट के या अंतिम के दो अंक चार से पूरी तरह कटते हैं कि नहीं। तो चलिए इसको हम देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। पहला विकल्प हम मान ले रहे हैं 54 है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 4×4 और 14 हो गया, 4×2 8 और 4×3 12, 4×4 मान ले रहे हैं, 4×4 4×2 8 4×3 12। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दो इसमें शेषफल आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा। चलिए इसमें देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसमें भी हम दो अंक लेके देखते हैं, 4×4 तो 2 बचा और इसके ये 26 हो गया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 4×4=16, 4×5=20 और 4×6=24, इसमें भी दो शेषफल आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये भी नहीं होगा इस क्वेश्चन का। इसमें देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दो अंक अंतिम के दो अंक सिर्फ देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चाहे कितना भी बड़ा दे दिया हो। तो चलिए, 4×2=8
चार दुना आठ और ये 10 हो गया, फिर इसमें भाग भाग देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो चार दुना आठ, फिर इसमें भी 2 शेष पल आ रहा है, ये भी नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। चलिए 76 में हम देखते हैं, इसमें 4 × 4 और ये आ गया 3 और ये हो गया 36। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों 4 × 4 और 4 × 9 = 36, इसका मतलब ये पूरी तरह से कट जा रहा है, यही विकल्प हमारा बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लास्ट के अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, विभाज्य होने चाहिए बिल्कुल। ऐसे ही हम पता लगा लेंगे कि हमारा कौन सा आंसर सही है, तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बी विकल्प, बस ऐसे ही आंसर को रख देंगे। लेकिन जब हमें याद रहेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तब हम रख पाएंगे कि इसका रूल क्या होता है, 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो अंतिम के 2 अंक देखेंगे, इससे हमें मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। तो चलिए देखिए, हमने आप लोगों को 10 से 15 सेकंड में आप लोगों को बता दिए कि ट्रिक क्या होती है इसमें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बिल्कुल चैनल से आप जुड़िए और मैथ को हम इतना आसान बना देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों को बताएंगे कि हाँ मैथ जो है कितना आसान होता है। बस आप लोग जो है ध्यान से पढ़िए और सेशन को रोज जितना हम डालें आप लोग डेली देखिए, बेहतरीन सेशन हम लेके आते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और हमेशा आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आपको ये नहीं लगेगा कि हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो मेरे भाई बहन SSC GD या SSC CHSL या SSC मेरे प्यारे भाइयों बहनों की तैयारी कर रहे हैं SSC की, या रेलवे ग्रुप डी या रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, या RRB की एग्जाम, बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो बिल्कुल मैथ का जो है बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो आप जो है बिल्कुल लांग ना करके थोड़ा ट्रिक के माध्यम से आप लोग जो है क्वेश्चन को लगाइए, बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में आ जाएगा अगर आप पूरा सेशन देखते हैं। तो चलिए आप लोग जो है अगर बेसिक से देखना चाहते हैं और बिल्कुल सवालों को 2 से 10 से 15 सेकंड में आप लोग जो है हल करेंगे, बस ऐसे ही हम आप लोगों को ट्रिक बता देंगे और आप लोग जो है क्वेश्चन को हल कर लेंगे एग्जाम में, कोई जो है बिल्कुल समय से पहले आप लोग जो है अपना पेपर कर लेंगे बिल्कुल जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नोट कराते हैं इसमें कुछ इस तरह से सवाल अगर आ जाए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो बिल्कुल आप एक चुटकियों में हल करके चले आएंगे, ये मेरा मानना है। सिर्फ 10 से 15 सेकंड में, बस आप हमारे इस सेशन को जितना भी हम सेशन मैथ का या रीजनिंग का डालते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों जाके देखिए, और बेहतरीन सेशन है चाहे मैथ हो या रीजनिंग, हम आप लोगों को बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे। तो चलिए नोट करिए और एक इसमें नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक नोट हम आप लोगों को नोट करा दे रहे हैं, कभी भूलेगा ही नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो कभी भूलेगा ही नहीं। चलिए वो क्या है, तो 4 से कटने वाले नोट करिए आप लोग इसी क्वेश्चन में, 4 से कटने वाले ये कोई बताएगा नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल हम आप लोगों को इजी बता दे रहे हैं इजी कॉन्सेप्ट से। 4 से कटने का नियम यहां पर लिखिए, 4 से कटने का नियम, कटने का नियम नोट करिए आप लोग, 4 से कटने का नियम मेरे प्यारे भाइयों बहनों कहता है कि, 4 से कटने का नियम कहता है कि, कहता है कि, 4 से कटने का नियम कहता है कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए। 4 से कटने का नियम कहता है कि अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए, कटना चाहिए, अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बस इतना ही आप लोगों को यही ध्यान रखना है, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल आप लास्ट के 2 अंक जो है भाग दे के देखिए, जो कट रहा है बस वही इसका आंसर होगा। तो चलिए
आशा करता हूँ कि जो मेरे भाई बहन है, हमने जो पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर नहीं समझ में आया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों किसी भी क्वेश्चन में, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम एक बार नहीं 10 बार बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए आप लोग इसको नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे ही हम आप लोगों को 10 से 15 सेकंड में बताएंगे। तो हमने जो है पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी नोट करा दिए थे, तो आप लोग उसको नोट कर लेना कहीं, और उसके बाद ये भी नोट कर लेना ताकि हमेशा याद रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी जैसे जैसे क्वेश्चन पे चलेंगे नोट कराते चलेंगे, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन को हल करने में कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए नोट करिए आप लोग या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का यह हमारा सेशन कैसा लगा, आज के लिए बस इतना ही। और हमारा यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के जरूर बताइए। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो हमारे इस चैनल पे मेरे जो भाई बहन नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। हम आपकी तैयारी को और ही मजबूत बना देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस आप लोग चैनल से जुड़िए और वीडियो को लाइक करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बस आप लोग हमें सपोर्ट करिए, हम आपके लिए मोटिवेट होकर मेरे प्यारे भाइयों बहनों बिल्कुल बेहतरीन सेशन लेके आएंगे। और हमेशा हमारा यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएं, जो समझ में आए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और अपने इस भाई को सपोर्ट करिए, और आपको हम मैथ इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 10 से 15 सेकंड कोई भी चैप्टर हो, हम आप लोगों को बता देंगे बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। आप कोई भी क्वेश्चन अगर हल करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो 10 से 15 सेकंड में। ये नहीं कि आपको 10 मिनट लग जाए क्वेश्चन को ही हल करने में, ऐसा हम आप लोगों को मैथ नहीं पढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाइयों। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम हॉल में जाएं तो लगे कि हाँ हमने कहीं मैथ पढ़ा था। तो चलिए इसी आशा के साथ अपनी तैयारी बनाए रखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बिल्कुल अपनी तैयारी जो है एकदम तैयारी बना के रखिए, और जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप हमारे परसेंटेज का जो चैप्टर खत्म हुआ उसको जाके प्लेलिस्ट में देखिए कितना बेहतरीन हमने पढ़ाया है बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में। तो जितने भी हमने सेशन लिए हैं आप लोग देखिए, आगे भी जो सेशन हम डाल रहे हैं आप लोग बिल्कुल पूरा वाच करिए, तो बहुत ही बेहतरीन मजा आएगा और आप लोगों को सीखने में भी मजा आएगा, ताकि किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो ये नहीं लगेगा कि हमको जो है मैथ से डर लगता है। बिल्कुल हम आपका डर दूर कर देंगे और आप मैथ जो है बिल्कुल एकदम इजी लगेगा। हम आप लोगों को बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से ही पढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के प्रति हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके कमेंट बॉक्स का जवाब देंगे और क्वेश्चन को बिल्कुल बताएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। और अगला सेशन हमारा होगा बस यही नंबर सिस्टम संख्या पद्धत पार्ट 2 होगा, तो बिल्कुल जुड़िए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।